फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आइस। दोस्तों, ये पंप मैंने 7 से 8 साल पहले फिट किया था। अभी इस पंप का प्रॉब्लम ये था कि ये पंप प्रेशर बिल्कुल ही नहीं दे रहा था, तो हमने इसे निकाल के सर्विसिंग किया है। पंप जब खोला था तो पंप में बहुत ही कचरा था और अंदर के जो इम्पेलर रहते हैं, जो पानी फेंकते हैं, वो बहुत डैमेज हो चुके थे। तो हमने इम्पेलर को रिप्लेस किया है और अच्छी तरह से सर्विसिंग किया है। तो चलो अभी इसे फिट करेंगे। रस्सी से हमने इसे बहुत टाइट किया है। बहुत हेवी पंप है ये। ये पंप ऊपर से बहुत ही खराब दिख रहा था, तो हमने इसको पेंट किया है। मोटर जहाँ से पानी खींचती है वहाँ हमने स्ट्रेनर लगाया है ताकि मोटर के अंदर कचरा न जाए। मोटर को हम ऊपर से और नीचे से अच्छी तरह से टाइट करेंगे ताकि मोटर को टंकी में छोड़ते वक्त हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वेट बहुत है इस मोटर का। इस पंप का आउटलेट पाइप GI का है, तो इस पाइप को हमें इसमें फिट करना है। पाइप को फिट करने के लिए हम थ्रेडिंग पे टेफ्लॉन टेप लगा देंगे। पाइप को स्पैनर से अच्छी तरह से फिट करेंगे, क्योंकि ये पाइप टाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पाइप पे मोटर का पूरा लोड आता है। चलो अभी दोस्तों, पाइप का फिटिंग हो गया है। अभी हम इसे टंकी में फिट करेंगे। ये काम बहुत ही संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि वेट बहुत रहता है इस पंप का। इस पंप का इंस्टॉलेशन 20 फ्लोर बिल्डिंग के लिए किया है। ये किर्लोस्कर मेक 7.5 HP सबमर्सिबल पंप है और इतने हाइट तक वो अच्छे से पानी देता है। दोस्तों, अभी हमने इस मोटर को अंदर टाके में फिट किया है। अब हम पहले पंप को टेस्ट करेंगे। हमने पंप चालू कर दिया है। अभी प्रेशर देखेंगे कितना प्रेशर दे रही है मोटर। इस पैनल पे ये मोटर 7.5 एम्पियर करंट दिखा रही है, तो चलो प्रेशर देखेंगे कितना दे रही है। वो प्रेशर तो बहुत अच्छा दे रही है। तो अभी टेस्ट हो गया है। अभी हम इस फ्लैंज में इसे फिट करेंगे ताकि पानी ऊपर जाए। काम कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।